बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड गुड। बेटा, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डन एसे ऑन योर वर्कबुक, सो टुडे आवर लेक्चर इज स्टोरी ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 42 एंड द स्टोरी इज द बॉय क्राइड वुल्फ। सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज अबाउट अ शेफर्ड। शेफर्ड कहते हैं एक चरवाहे को जो कि भेड़ बकरियाँ चरवाते हैं। सो आ शेफर्ड लिव इन अ विलेज, ही यूज्ड टू ग्रेस शीप इन अ जंगल। वन डे ही थॉट ऑफ अ मिसचीफ एंड बिगन टू क्राई वुल्फ वुल्फ। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस द विलेजर हियर्ड इट एंड रन टू हिज हेल्प विद स्टिक। दे फाउंड हिम स्टैंड लाफिंग, दे टुक इट इल एंड वेंट बैक। It was repeated and the villager did the same. This time they decided not to trust him. After some day, a wolf came there. The boy cried wolf many times, but nobody came to help him. The wolf killed the boy and some of the sheep. So this is a short review about this story. And the moral is, क्या मॉरल आता है व्हेन वी हियर दिस स्टोरी? नेवर टेल अ लाय और वंस अ लायर ऑलवेज अ लाय। ओके स्टूडेंट्स, ऑन वर्कबुक पेज नंबर 42 लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, ऐसा लड़का जो कि भेड़ भेड़ मतलब कि भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था। सो दिस स्टोरी इज देयर लिव्ड अ शेफर्ड इन अ विलेज। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, एक चरवाहा जो कि गांव में रहता था। ही यूज्ड टू ग्रेज शीप इन अ जंगल। ग्रेज मीन चराना, जो शख्स अपनी जो जानवरों को जंगल में या कहीं खुले मैदान में लेकर जाते हैं और उनको चरवाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। सो इट्स अ ग्रेज, ही यूज टू ग्रेज शीप इन अ जंगल। वो अपने भेड़ बकरियों को जंगल ले जाता था चरवाने के लिए। वन डे, एक दिन, ही थॉट ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ कैसे, उसे एक शरारत सूझी। एक दिन उसे एक शरारत सूझी एंड बिगेन टू क्राई, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया वुल्फ वुल्फ मतलब भेड़ भेड़िया। At the top of his voice, उसने बहुत ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया। The villager heard it, गांव वालों ने जब ये सुना, and run to his help with sticks, तो वो जल्दी से उसकी मदद के लिए भागे। With stick मतलब उनके हाथ में क्या थे, डंडे थे। They found him stand laughing, उन्होंने देखा कि वो खड़ा वहाँ हंस रहा है। कौन हंस रहा है? लड़का जो कि शेफर्ड था, चरवाहा था। This time, इस दफा, दे टुक इट इल, उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ एंड वेंट बैक, और ये कहकर वो वापस चले गए। इट वॉज रिपीटेड एंड द विलेजर डिड द सेम, उसने दोबारा यही हरकत की और गांव वाले दोबारा उसकी मदद के लिए आए। दिस टाइम, इस वक्त, दे डिसाइडेड, इस दिन उन्होंने ये फैसला किया नॉट टू ट्रस्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 42 एंड द स्टोरी नेम इज़ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। देयर लिव्ड अ शेफर्ड इन अ विलेज, एक चरवाहा गाँव में रहता था। ही यूज टू ग्रेज शीप इन अ जंगल, वो जंगल में अपनी भेड़ों को ले जाया करता था चरवाने के लिए। ग्रेज कहते हैं चरवाना। वन डे, एक दिन, ही थॉट ऑफ मिसचीफ, उसे एक शरारत सूझी। मिसचीफ मीन शरारत सूझना। एंड बिगिन टू क्राई, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया वुल्फ वुल्फ भेड़िया भेड़िया। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, बहुत ऊंची आवाज़ में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। द विलेजर हियर्ड इट, गांव वालों ने जब ये सुना, एंड रन टू हिज हेल्प विद स्टिक, और वो उसकी मदद के लिए भागे विद स्टिक, डंडों के साथ। दे फाउंड हिम स्टैंड लाफिंग, उन्होंने देखा कि वो वहाँ खड़ा हंस रहा है। They took it ill and went back, उन्होंने इसे पागल और बेवकूफ़ कहा, and went back, और वापस चले गए। It was repeated and the villager did the same, उसने दोबारा यही हरकत की। किसने की? लड़के ने, जिसने पहले भी चिल्लाया था। उस लड़के ने दोबारा यही हरकत की, and the villager, और गांव वाले did the same, गांव वाले दोबारा उसकी मदद के लिए आए। This time they decided not to trust him, इस दफ़ा उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अ वुल्फ केम देयर, एक भेड़िया वहाँ पर आ गया। अब पहले वो शरारत कर रहा था, अब कुछ दिनों के बाद वाकई रियल में एक भेड़िया आ गया। द बॉय क्राइड वुल्फ मैनी टाइम्स, लड़के ने बहुत दफ़ा भेड़िया चिल्लाया, लेकिन बट नो बॉडी केम टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उसकी मदद को ना आया।
द वुल्फ किल द बॉय, भेड़िए ने लड़के को कत्ल कर दिया या मार दिया, एंड सम ऑफ द शीप, और उसके कुछ भेड़ भी. सो मोरल, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर के मतलब एक दफ़ा जो झूठा हो जाता है किसी की नज़र में वो हमेशा झूठा ही रहता है. एंड नेवर टेल अ लायर, और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो स्टूडेंट ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ इन योर लाइफ, क्योंकि बेटा जब एक दफ़ा आप बार बार झूठ बोलकर किसी की नज़रों में गिर जाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, तो दोबारा लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते, वो आपको हमेशा लायर ही कंसीडर करते हैं. सो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ इन योर लाइफ. So student, this is your lecture for today, and your home assignment is you rewrite this story on your workbook and learnt it very well. So stay home, stay safe. Inshallah, we'll see you in our next lecture. Allah Hafiz.